गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 10 में कल मैं आप लोगों को जो है प्रेजेंट परफेक्ट वर्तमान का दो सेंटेंस पढ़ाया था, अफर्मेटिव और निगेटिव, और तीसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप जानते हैं अभी तक इतना पढ़ा चुका हूँ कि आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि इंट्रोगेटिव के दो नियम होते हैं। पहला है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, अब आप लोग शार्ट में देखिए ये क्या, ये जो क्या शब्द है ये वाक्य में पहले कहाँ हो, वाक्य में पहले आया है ना। तो आप जानते हैं कि जब भी प्रश्न पूछने वाला कार्य क्या से वाक्य में पहले होता है तो इसकी कोई अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, बल्कि वाक्य जिस सेंटेंस में है, वाक्य जिस टेंस में है, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उसकी हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। अर्थात इसका ये नियम बनेगा, सबसे पहले एचवी हेल्पिंग वर्ब, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है फिर सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है। सब्जेक्ट ये सिंगुलर नंबर में है तो है, और प्लूरल नंबर कैसा है, फिर बीन, क्योंकि इसकी क्रिया क्या है, हैज बीन और हैव बीन, तो हैज जो है सेंटेंस सब्जेक्ट के पहले प्रयोग होता है और बीन तुरंत सब्जेक्ट के बाद हो गया। फिर जो है मेन वर्ब यमबी, आपको मैंने बताया कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ी, और अंत में ऑब्जेक्ट ओ बी जे ई सी टी, तथा सबसे अंत में निश्चित समय के लिए, किस समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है, और अंत में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात है तो अंत में क्या करेंगे। लेकिन ये नियम लागू कब होगा, जब क्या प्रश्न पूछने का कार्य पहले हो रहा हो, वाक्य में ये पहले आया, वाक्य में पहले आया हुआ। अगर ये वाक्य में पहले है तो ये पहले लगे, जैसे क्या वह 2 घंटे से इस तालाब में नहा रहा है। देखिए यहाँ सब्जेक्ट बेटा क्या है, वह है, ही है, ही सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसके क्रिया इसके क्या लिखेंगे, है ही बीन, हैज ही बीन, क्योंकि यहाँ देखो टाइम दिया हुआ है, अगर टाइम दिया हुआ है तो निश्चित है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। क्यों है, क्योंकि वाक्य के अंत में रहा है तो प्रेजेंट टेंस की पहचान, और रहा है तो कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। तो हैज ही बीन, और नहाना की अंग्रेजी बाथ, बी ए टी एच आई एन बाथिंग, हैज ही बीन बाथिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, इस तालाब में, इन दिस पॉन्ड, पी ओ एन इन दिस पॉन्ड, और टाइम कितना है, 2 घंटे का समय है, तो 2 घंटे का समय, आवर्स का समय क्या होता है, निश्चित या अनिश्चित, अनिश्चित, और इसलिए क्या लिखेंगे, फॉर टू टी डब्ल्यू टू आवर्स, एच ओ यू आर यस, और अंत में क्वेश्चन, ये नियम है। देखिए नियम, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में समय के अनुसार जो है निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित के लिए फॉर के प्रयोग होते हैं। और इसके बाद इसका दूसरा नियम,
दूसरे नियम में आप जानते हैं अगर WH के शब्द मैंने बताया है जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं व्हाट वायर व्हेन व्हाई हूज व्हिच हाउ मैनी हाउ मच हु ये जितने भी हैं जो इसके हिंदी में अगर WH के शब्द कहाँ हो वाक्य के बीच में हूँ तो ये मैंने बताया है कि जब WH के शब्द वाक्य के बीच में होते हैं तो सबसे पहले WH के शब्द लिखते हैं क्या करेंगे WH के शब्द जो भी है उसके अंग्रेजी वो लिखेंगे फिर WH के शब्द लिखेंगे फिर जो है हेल्पिंग वर्ब और उसके हेल्पिंग वर्ब है फिर सब्जेक्ट यस यू बी जे बी सी और सब्जेक्ट के अनुसार जो है ये वर्ब का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब का अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो सिंगुलर नंबर के साथ है और प्लूरल नंबर के साथ है फिर बीन यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दीजिए क्या जोड़ देंगे आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट जे जी सी और फिर निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए पास का प्रयोग होता है तथा सबसे अंत में क्वेश्चन ये अंत में क्या रखेंगे क्वेश्चन मार्क जैसे तुम दो बजे से वहां अपनी पुस्तक क्यों पढ़ रहे हो और अंत में क्वेश्चन तो क्यों की अंग्रेजी वाई सबसे पहले क्या रखेंगे वाई क्योंकि इंग्लिश क्या होती है वाई और चूंकि यहाँ सब्जेक्ट देखो तुम लगा हुआ है प्लूरल नंबर में वाई है सब्जेक्ट यू बीन आई हैव यू बीन और पढ़ना की अंग्रेजी रीड आर ई ए डी आई एन जी रीडिंग वाई हैव यू बीन रीडिंग योर बुक में डबल ओ बुक देयर टी एच ई आर ई और टाइम कितना है दो बजे का समय निश्चित है इसलिए सिंस टू O प्लस सी एल ओ सी और अंत में क्वेश्चन ये और मुझे जहाँ तक आशा है आप लोग समझ गए होंगे सबसे पहले WH के शब्द फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर दीन फिर मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आई एन जी और अंत में ऑब्जेक्ट ये है और अंत में मतलब इसके निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए पार्ट जो टाइम होता है वो अंत में लिखा जाता है ये नियम है और इसके बाद चौथा संचर इसका चौथा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस
इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव इस टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में दो नियम है आप जानते हैं। पहला है जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ हो, प्रश्नवाचक शब्द क्या कहाँ हो, वाक्य में पहले, वाक्य में पहले है ना, पहले हूँ तथा वाक्य बीच में, क्योंकि बीच में नकारात्मक शब्द शब्द नहीं या कभी कभी नहीं आए हुए। तो आप जानते हैं नियम क्या है, तो इसका नियम है आप जानते हैं क्या से प्रश्न पूछने वाला कार्य पहले हो रहा है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और इसकी है हैज और है, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर नंबर के साथ है और प्लूरल नंबर के साथ है, फिर क्या लिखेंगे नॉट या नेवर, नॉट या नेवर, फिर बीन बी डबल की, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए पार्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं आप क्या मोहन दो घंटे से मैदान में घास काट रहा है, और अंत में क्वेश्चन, ये दो घंटे से मैदान में घास, यहाँ नहीं वेल लगा दो, नहीं काट रहा है, और अंत में क्वेश्चन। तो क्या शब्द पहले आया हुआ है, सबसे पहले मोहन है, क्योंकि है मोहन जम को जैसे नॉट बीन और कटिंग सी यू डबल टी आई एन कटिंग टू ग्रास जी आर ए डब्ल्यू यस इन द फील्ड एफ आई ई एल डी, और समय क्या है दो घंटे का समय है, अनिश्चित समय है, तो फॉर टू आवर्स एच ओ यू आर यस, और अंत में क्वेश्चन। देखो नियम, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट और बीन, नॉट का प्रयोग हमेशा
मतलब सब्जेक्ट अगर वो इंट्रोगेटिव है तो जो इसकी वर्ब है हैज बीन, हैज और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होता है, लेकिन चूंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो हैज जो है सब्जेक्ट के पहले आ गया, इसलिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होता है। ऐसा नहीं होता हैज बीन नॉट, नहीं हैज नॉट बीन का प्रयोग होता है। इसको आप लोग जरूर समझेंगे। हाँ, दूसरा नियम इसमें है कि इसका दूसरा नियम, इसी में मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, अगर डब्ल्यू एच के शब्द, डब्ल्यू एच के शब्द कहाँ हों, वाक्य के बीच में, यहाँ देखिए कहाँ हों, डब्ल्यूएच के शब्द कहाँ हों, वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में हूँ, तथा वाक्य में नहीं या कभी नहीं थे, कभी नहीं के प्रयोग प्रयोग हूँ। तो देखो इसमें जब भी जो ही नियम है, इसमें थोड़ा सा जो है मैं परिवर्तन कर दे रहा हूँ, ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा हैज और है, और सबसे पहले यहाँ डब्ल्यू एच के शब्द आ गए, डब्ल्यू एच के शब्द, बाकी नियम सब वही हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये क्रम जो है वही रहेगा, सबसे पहले डब्ल्यू एच के शब्द आ जाएंगे बस, बात समझ में आ गई। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका उदाहरण जैसे देखिए आप लोग, आप थोड़ा समय हट करके उदाहरण दे रहा हूं, जैसे में कितने बच्चे चार बजे से उस मैदान में नहीं टहल रहे हैं, और अंत में क्वेश्चन, वहां मैंने बताया, इसलिए मैंने सेंटेंस को लाया है यहाँ कि अगर वाक्य में हाउ मेनी, हाउ मच, हु और विच के प्रयोग हैं तो आप जानते हैं उसका जो भी अटेंडेंट उसका नाम होता है उसके साथ रहता है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हाउ मेनी, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, सी एच आई एल डी आर ई, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन चूंकि यहाँ देखो जो है बहुवचन में है तो हैव नॉट बीन, पहला क्या अंग्रेजी वाक, डब्ल्यू ए एल के, वाक मीन्स पैदल चलना होता है, उसे टहलना भी होता है, नहीं तो दिन दिन घंटा करना, वॉकिंग कहाँ, उस मैदान में, इन उस जो है दूर का संबोधन, इसलिए दैट, इन दैट फील्ड, एफ आई ई एल डी, इन दैट फील्ड, और समय क्या है, चार बजे का है, इसलिए सिंस, एस आई एन सी सिंस फोर ओ क्लॉक, सी एल ओ सी, और अंत में क्वेश्चन मार्क। नियम देख रहे हैं, सबसे पहले डब्ल्यू एच के शब्द, फिर हेल्पिंग वर्ब,
फिर सब्जेक्ट अगर है तो सब्जेक्ट यहाँ बीच में आएगा, नहीं है क्योंकि यहाँ देखो हाउ मेनी का प्रयोग किया, सब्जेक्ट साइलेंट है तो सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। फिर नॉट और फिर मेन, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में टाइम दिया। इस तरह से ये जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस खत्म हो गया।